नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पटना हाई कोर्ट के सहायक ग्रुप बी असिस्टेंस मुख्य परीक्षा के डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस वर्क बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे जहां पे यहां देख दोस्तों देखिएगा डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम पैटर्न दिया गया है कि पार्ट वन में इंग्लिश पूछा जाएगा, पार्ट टू में हिंदी पूछा जाएगा। इंग्लिश में 60 मार्क्स के क्वेश्चन, हिंदी में 40 मार्क्स के क्वेश्चन, और साथ में आपको 19 जून 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इस बुक में सम्मिलित किया गया है। टोटल 20 सेट आपको प्रैक्टिस वर्कबुक देखने को मिल जाएगा, प्लस में प्रैक्टिस सेट आपको 20 है और एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों पटना हाई कोर्ट के मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, किरण प्रकाशन का ये बुक है। दोस्तों ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना होगा तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। पटना हाई कोर्ट का ये बुक है दोस्तों, बुक का पहला पेज आप दोस्तों देख लीजिएगा। उससे पहले मैं बता दूं नंबर ऑफ पेज आपको 216 देखने को मिलेगा। बुक का जो MRP है 195 है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों बुक का कोड दिया गया 4208, इस कोड को आप देख के ही परचेज कीजिएगा। तो पटना हाई कोर्ट मुख्य एग्जाम मतलब मेन्स एग्जाम के लिए ये बुक दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट और एक प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। 21 सेट आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। 195 MRP है, जिसपे ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद सेट नंबर 1 जनरल इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जनरल मतलब इस तरह से आपको सेट आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों टोटल 20 सेट आपको देखने को मिलने वाला है। सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, जनरल इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया, ठीक है ना। इससे आपको जो 21वां सेट है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, और उसी पे आधारित ये इन्होंने मॉडल प्रैक्टिस सेट यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इंग्लिश जो होगा पार्ट 1 होगा 60 नंबर के क्वेश्चन, हिंदी पार्ट 2 हो जाएगा 40 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लेटर ऐसे पूछा जाएगा, लेटर पूछा जाएगा, प्रीसिस पूछा जाएगा, आइटम्स फ्रेजेस पूछा जाएगा, और ग्रामर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। अब कॉम्प्रिहेंसन भी पूछा जाएगा, 3 आवर का एग्जाम होगा, सारा कुछ आपको बताया गया है। हिंदी 40 नंबर के पूछे जाएंगे, तो ये सभी कुछ आपको बताया गया है। इंग्लिश में क्वालिफाई होने के लिए 24 नंबर चाहिए, हिंदी में क्वालिफाई होने के लिए 16 नंबर चाहिए। अब यहाँ पे ऐसे आपको दे दिया गया है कौन कौन से टॉपिक पे, जैसे यहाँ पे दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, या फिर स्वच्छ भारत अभियान पे, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 3 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद लेटर भी आपको दिया जाएगा, 3 टॉपिक आपको दिया गया, तीनों में से कोई एक टॉपिक पे लेटर आपको लिखा मतलब लिखना होगा, ठीक है। तीनों टॉपिक पे नहीं लिखना है, किसी एक ही टॉपिक पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे पैसेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ फिलअप और बेसिक ग्रामर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, और सारे क्वेश्चन का यहाँ एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बुक में कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी पेपर क्वालिटी भी अच्छा है। अब दोस्तों देखिए ये सॉल्यूशन है, और काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। किस तरह से आपको निबंध लिखना है ये आपको बताया गया है इस बुक के अंदर, सारा कुछ यहाँ बताया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कितना लंबा लिखना है सारा कुछ, ये लेटर आपको बताया गया कि लेटर आपको किस तरह से लिखना है, कहाँ से लिखना है, लिख रहे हैं आप, सारा कुछ यहाँ आपको बता दिया गया। लेटर का पैटर्न बता दिया गया, किस तरह से आपको लेटर को लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद इंग्लिश वाले जो अदर क्वेश्चन है, पैसेज हो गया या बेसिक जो ग्रामर के क्वेश्चन है, उनके भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेहतरीन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ सॉल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से हिंदी वाला सेक्शन स्टार्ट होता है, इंग्लिश वाले सेक्शन के बाद है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पे दोस्तों। हिंदी वाले क्वेश्चन आप दोस्तों देख लीजिएगा, किसी एक विषय पे वैसे ही आपको निबंध लिखना है, वही चीज़ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छ भारत मिशन, उसी में हिंदी में आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप पे दोस्तों लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ भी आपको अलग अलग टाइप के पैसेज भी देखने को मिल जाएंगे, हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन भी आपको साथ के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो बुक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आप दोस्तों ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये बुक साबित होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे तो इसी तरह से आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे 21वां सेट देखते हैं, जो रियल एग्जाम हुआ था उसका देखते हैं कि उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ देखिए ऐसे राइटिंग हो गया, वही चीज़ है एग्जाम पैटर्न। उस समय 50 नंबर का इंग्लिश होता था, 50 नंबर का हिंदी होता था, उसी तरह से आपसे क्या पूछा गया, ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, मेक इन इंडिया या ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ दिया गया, ये सामने सामने आंसर शायद दे दिया गया है, अच्छा ये पैसेज दिया गया है, ठीक है ना।
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्रेजेस दिया है, मतलब बेसिक इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है लगता है, ठीक है ना, इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, राइट ए लेटर 100 वर्ड में आपको लिखना है, तो यहाँ वर्ड बताया गया, 500 वर्ड में निबंध लिखना है, तो सारा कुछ आपको डायरेक्शन दिया गया है पहले से, ठीक है। तो इसी पैटर्न में आपको तैयारी करना है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है, किस चीज़ को कैसे लिखना है सारा कुछ इन्होंने बताया। निबंध देखिए कितने शानदार तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है और पूरा स्टेप्स आपको बता दिया है कि निबंध लिखते समय कौन कौन से बात पे ध्यान देना है। अब ये हिंदी पार्ट टू हो गया, तो हिंदी में पूछा गया उदारीकरण, आम और आम आदमी, प्रतिभा पलायन, आतंकवाद, विश्व शांति, इन तीनों टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। उसके बाद यहाँ दिए गए उदाहरण को पढ़कर भावार्थ लिखे और उचित शीर्षक दे, मतलब इसको आपको स्टडी करना है, इसके बारे में आपको बताना है, शीर्षक देना है, ये सब क्वेश्चन है। प्रचलित मुहावरे के वाक्य बनाकर अर्थ स्पष्ट करें, तो मुहावरा है दिए गए गद्यांश को पढ़े और उसके बारे में उत्तर आप दें, और यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिलेगा, डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है, काफ़ी बेहतरीन सॉल्यूशन दोस्तों देखने को मिलेगा। तो अगर आप पटना हाई कोर्ट Tier 2 मेन्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को ज़रूर परचेज कीजिए, बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इस बुक को आपको परचेज करना चाहिए। अगर आपका GK वीक है तो खान सर की काफ़ी सारे बुक आते हैं NCERT पर आधारित, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, राजव्यवस्था हो गया, पर्यावरण हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो गया, ये सभी बुक खान सर के हैं, NCERT पर आधारित, बहुत शानदार बुक है। अगर आप एग्जाम में सार संग्रह लेना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर कलेक्शन का बुक लेना चाहते हैं, तो खान सर के ये बुक आते हैं, शानदार बुक है, इन्हें भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल का भी बुक आता है, इन्हें ले सकते हैं। और कुछ है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप SSC की तैयारी करते हैं तो SSC रीजनिंग, इंग्लिश से सामान्य अध्ययन और मैथ है, इसमें आपको 25 से 30 साल के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। केवल आपको TCS वाले क्वेश्चन चाहिए तो ये 4 बुक आते हैं SSC के, इसमें केवल TCS के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स का कोई बेहतरीन बुक आप खोज रहे हैं तो बाइलिंगुअल ले सकते हैं, अभिनय शर्मा सर का बहुत ही शानदार बुक है, मैंने इस बुक का रिव्यू किया हुआ है। रीजनिंग का बाइलिंगुअल बुक चाहिए तो अभिषेक सर का ये बुक आता है, SSC के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इंग्लिश ग्रामर आपको सीखना है तो विपिन सिन्हा सर का ये बुक है, कंप्यूटर नॉलेज के लिए ये बहुत ही शानदार बुक है SSC का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर नॉलेज आजकल SSC में पूछा जा रहा है। तो इस बुक के बारे में और भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।